सभी को व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। स्थिति और सत्य को भली भांति समझ ले कि नरसिंह अवतार का प्रयोजन प्रहलाद के हित के लिए ही हुआ है। प्रहलाद और नरसिंह का संबंध भक्त और भगवान का अटूट और प्रगाढ़ संबंध है। भक्त भगवान को प्रिय होते हैं और भगवान भक्तों के वश में होते हैं। इसलिए हे भक्त प्रहलाद, तुम भी यह सत्य जानो कि तुम्हारे निमित्त ही भगवान नरसिंह का अवतरण हुआ है। प्रहलाद, आगे बढ़ो और इनका आशीर्वाद प्राप्त करो। हर हर महादेव। ओम हरि। हे जगत के पालनहार, इस अबोध बालक का प्रणाम स्वीकार कीजिए। राज्य का राजा घोषित करना वह भी शेष नहीं रहेगा। हमारे लक्ष्य के बाद अवश्य पूर्ण होगा। आप सबके लक्ष्य तो पूर्ण हो गए, अब कृपा कर मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। तुम्हारी क्या अभिलाषा है प्रहलाद? भगवान, आपका दिव्य विराट रूप देखने की इच्छा है। भक्त की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। भव्य एवं विराट स्वरूप के दर्शन प्राप्त कर ब्रह्मा, देवराज इंद्र, देवगण, नारद तथा भक्त प्रहलाद धन्य हो गए। ये तो आदि सत्य है कि सद्विचार, सद्भावना, सदाशयता, सन्मार्ग और प्रभु में आस्था रखने वाले प्राणियों पर सदा ही ईश्वर की कृपा होती है। कुविचारी और कुमार्गगामी का अंत निश्चित ही दारुण होता है, जैसे कि द्वितीय पुत्र अहंकारी हिरण्यकश्यप का वध नरसिंह रूपी भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा हुआ। पुत्र के वियोग और शोक में माता दिति का शुद्ध होना और विलाप करना स्वाभाविक ही था। दिति, अब इस रुदन से क्या लाभ होगा? मैंने तो तुम्हें और पुत्रों को समझाया था कि अनुचित महत्वाकांक्षाएं प्राणी को मृत्यु और पश्चाताप के समीप ले जाती हैं, किंतु मेरी बात पर न तुमने कभी ध्यान दिया न पुत्रों ने। परिणाम सम्मुख है, उन दोनों ने धर्म की सीमाओं का उल्लंघन करके तथा निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार करके अपने अपकर्मों का प्राणांतक दंड पाया है। यह दंड भी इतना दारुण और पीड़ाकारक नहीं है, कारण कि भगवान विष्णु के हाथों मरकर उन्हें सदगति प्राप्त हुई है। विष्णु, विष्णु, नाम न लो उस विष्णु का, वही तो हमारी दैत्य जाति का प्रबल शत्रु, उसी ने मेरे पुत्रों के प्राण हरे हैं। हरि अथवा हर जब प्राण हरते हैं तो आत्मा का कल्याण ही होता है। दीदी, मेरे पुत्रों के हत्यारे का नाम न लो बार बार, मेरा हृदय फटने लगता है। चिंता न करें माता, अभी दुंदुभि निनाद जीवित है, आप व्यथित ना हो। मैं विष्णु और उसकी आराधक देवताओं से दैत्यराज हिरण्यकश्यप की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लूंगा, उनकी मृत्यु का प्रतिशोध। मैं तपस्या करके ऐसी स्थिति प्राप्त करूंगा जैसी आज तक किसी ने प्राप्त की होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जिस दिन तुम अपने कार्य में सफल हो जाओगे, उस दिन मेरे हृदय की ज्वाला शांत होगी। सावधान दुंदुभि, यदि तुमने धर्म के विरुद्ध कोई आचरण किया
जैसा कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने किया था, तो तुम भी उन्हीं की भांति नष्ट हो जाओगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राम माता विजयी भव। जय हो, जय हो, दैत्य शक्ति सिद्धि दानो। देवराज इंद्र की। उसका मारा जाना अभी शेष है। अपने स्वामी की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए वो घोर तपस्या कर रहा है। वो देवताओं को शांति से बैठने नहीं देगा। देवर्षि, अब आप ही बताएं, हमारे लिए क्या उचित है और हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा? देवराज, सबके दुख हरता भगवान भोलेनाथ की शरण में जाएं। नारायण नारायण। अब हमें दुंदुभि निनाद की तपस्या भंग करनी ही होगी। जय हो दैत्य शक्ति सिद्धि दात्री की। जय हो, जय हो। दैत्य शत्रु देवताओं, अब मैं तुमसे और तुम्हारे आराध्य विष्णु से एक एक करके प्रतिशोध लूंगा। तुम किसी भ्रम में ना रहना दुंदुभि निनाद, हम तुम्हारी कामना पूर्ण ही नहीं होने देंगे। और हमसे प्रतिशोध लेने की तुम्हारी कामना कभी पूर्ण नहीं होगी। पूर्ण नहीं होगी। मैं दिखाता हूं तुम्हें अपनी दैत्य शक्ति की सिद्धियां। वही हुआ माता जो सदैव होता आया है। ये देवता मेरी तपस्या भंग करने आए थे, परंतु उन्हें ज्ञात ही नहीं कि मुझे वनचर और जलचर बन जाने की सिद्धियां प्राप्त हो चुकी है। भाग गए ये बलहीन, ये सिद्धिहीन, ये शक्तिहीन। तो ये देवता तुम्हारी तपस्या भंग करने आए थे। दुंदुभि, तुम इन देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए कोई नया उपाय अपनाओ। हाँ, तुम बाघ और मगर बनकर उन ब्राह्मणों का भक्षण करो जो इन देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं। जब यज्ञ ही नहीं होगा तो विष्णु शिव और देवताओं को अपना यज्ञ भाग ही नहीं मिलेगा और वे शक्तिहीन हो जाएंगे। इन देवताओं से प्रतिशोध लेने का यही सर्वोत्तम उपाय है। हाँ माता, आपका सुझाव उत्तम है, मैं ऐसा ही करूंगा। प्रणाम। ओम रुद्राय स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा, ओम आदित्याय स्वाहा। चिंता मत करो, भगवान भोलेनाथ हमारी रक्षा करेंगे। हे भगवान भोलेनाथ, हमारी रक्षा करो, बाघ से हमारी रक्षा करो। हे भगवान भोलेनाथ, हमारी रक्षा करो। अपने भक्तों का संकट दूर करें परमेश्वर। ओम नमः शिवाय। माता, इन ब्राह्मणों का संकट अति पीड़ाकारी है। परंतु इनका संकट है क्या? हिरण्यकश्यप का सेनापति दुंदुभि निनाद अपने स्वामी की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए बाघ बनकर इन निर्दोष और यज्ञकर्ता ब्राह्मणों का वध करने का प्रयास कर रहा है। माता, आप इनकी सहायता करें। ऐसा करने से क्या प्राप्त होगा उसे? दीति के उकसाने पर वो ऐसा कर रहा है। दीति के अनुसार ऐसा करने से ही भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान भोलेनाथ और अन्य देवगण से प्रतिशोध लिया जा सकता है।
इस दुष्ट का अंत अब निकट आ गया है। निर्दोष भक्तों को पीड़ित करके वो स्वयं कब तक जीवित रह सकेगा? आवश्यकता नहीं है, इस दुष्ट का अंत हम अभी कर देते हैं। दुष्ट का संहार करके देवकर्ण एवं ब्राह्मणकर्ण दोनों का उद्धार किया है। दुष्टों का संहार करना हमारा कर्तव्य है, वही हमने किया है। इसीलिए प्रभु आज से आप व्याघ्रेश्वर महादेव के रूप में प्रसिद्ध होंगे। बोलो व्याघ्रेश्वर महादेव की जय। व्याघ्रेश्वर महादेव की जय। व्याघ्रेश्वर महादेव की जय।